ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन आर टू आर डिफाइन है देखिएगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है क्यूब है ठीक है यहां से देखो फंक्शन आपका कहां से कहां पे डिफाइन है पहले तो देखो फंक्शन पहले फंक्शन आपका क्या है अक्स क्यूब लेकिन पहले फंक्शन तो देख लो भाई कहां कहां से कहां में डिफाइन है यहाँ आर से आर के अंदर और यहाँ से देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई एक्स बिलोंगिंग एक्स का क्यूब ये अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे भी वही देखो हिट एंड ट्रायल यानी कि हमें क्या है वैल्यू पुट पुट करके देखनी है अपने को और तो कोई मेथड आता नहीं है कि हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बनेगा भाई देखना पड़ता है ग्राफ कैसे बनता है ठीक है उस पर इनपुट देते हैं आउटपुट क्या आता है उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं ग्राफ बनाते हैं ठीक है तो यहाँ से आपको देखो अक्स है वो सारा का सारा रियल पे डिपेंडेंट है तो आप क्या करोगे भाई अक्स की वैल्यू रखोगे अक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखोगे ये सब करना है ठीक है तो यहाँ से आप देखो भाई क्या करने वाले हो तो यहाँ से देखो पहले तो आप देखो पॉजिटिव वैल्यू रख लो फिर नेगेटिव रख लो रियल की, तो की क्या ही करेंगे ठीक है तो पहले अक्स की क्या रख लो वन वैल्यू पुट कर लो ठीक है तो अक्स की वन वैल्यू पुट करोगे तो आपके लिए देखो वाई है वन का क्यूब आएगा और ये आएगा ठीक है जैसे आप x इक्वल टू क्या रखोगे टू तो y है आपका टू टू का क्यूब और यहाँ से कितना आएगा एट अब यहाँ से आप पॉइंटों में भी वैल्यू रख लो कि टू तो y इक्वल टू टू पॉइंट टू का होल क्यूब इक्वल टू जीरो पॉंट जीरो पॉइंट जीरो ऐट यह आएगा कोई दिक्कत यहाँ तक अब आप यदि ये, ये चाहोगे कि सर यहाँ पे आप, आप थ्री पॉइंट थ्री यानी ये रखो तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री का क्यूब तो इक्वल टू कितना होता है भाई ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी सेवन यह आएगा ठीक है यानी इस तरीके से आप देखो आप कितनी भी वैल्यू बड़ी बड़ी रख लो टू रख लिया है यहाँ पर थ्री रख लो तो वाई इक्वल टू थ्री का क्यूब तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी सेवन और यदि आप x इक्वल टू फोर रखोगे तो वाई इक्वल टू फोर का क्यूब रख दो यहाँ से कितना आएगा सिक्सटी फोर यानी इस तरीके से आप वैल्यू पुट पुट करके हम ही ग्राफ ड्रॉ ही करेंगे बस इतना ही काम करेंगे ठीक है और यहाँ पे देखो दूसरा काम करते हैं भाई इसी में आप एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं ठीक है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो रहते ही वाई इक्वल टू ज़ीरो का क्यूब तो कितना आएगा ज़ीरो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जैसे आप क्या लोगे माइनस ज़ीरो पॉइंट वन तो आपके लिए देखो क्या आएगा वाई इक्ल टू माइनस जीरो पॉइंट वन का क्यूब तो इसका मतलब माइनस आएगा जीरो जीरो पॉइंट वन ये आएगा इसका क्यूब इसी प्रकार यदि आप एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू ये रखोगे माइनस का तो वाई इक्वल टू माइनस का जीरो पॉइंट टू का क्यूब इक्वल टू कितना आएगा माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर यह आएगा अब क्या रखोगे अक्स इक्वल टू क्या रख दो माइनस का थ्री तो वाई इक्वल टू माइनस का थ्री का क्यूब कितना आएगा भाई आपको पता है तो माइनस का ट्वेंटी सेवन यानी इस तरीके से हम अक्स की वैल्यू इन्फाइनेट तक जा सकते हैं इधर भी इन्फाइनेट तक जा सकते हैं कोई वो नहीं है है ना कि यहाँ पे माइनस इन्फाइनेट तक जा सकते हो तो यहाँ पे प्लस इन्फाइनेट तक जा सकते हो ठीक है तो अक्स की चॉइस तो रियल हो गई अपने पास अब हम इसका देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई ठीक है ठीक है ये इसका ग्राफ नो ग्राफ में क्या होता है थोड़ा ये वन है यानी कि यहाँ पे थोड़े अच्छे तरीके से ग्राफ नहीं बन पाएंगे अपने से वही दिक्कत तो यहाँ से थोड़ा सा फील ही देना चाहूँगा मैं आपको और यहाँ पे माइनस का वन आया माइनस का टू आया माइनस का थ्री आया अब यहाँ से क्यूब पे बातें चलने वाली है ना वाई में तो वाई आया फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ से टू आ गया फिर यहाँ से थ्री आ गया तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपके लिए क्या मिलेगा टू टू का होल क्यूब कितना आएगा एट कहीं ना कहीं नाइन आएगा तो ये ट्वेंटी सेवन यानी इस तरीके से बनेगा तो आपको पता है कि वन के ऊपर वन के ऊपर कितना वैल्यू आएगी वन ठीक है और यहाँ पे भी माइनस का वन फिर यहाँ पे माइनस का टू यहाँ पे माइनस का थ्री फिर फोर यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलने वाला है माइनस का एट फिर नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको नाइन भी कितना कि टू और कितना ये आ जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस का ठीक है तो यहाँ से क्या ग्राफ बनेगा टू के ऊपर कितना बना भाई टू के ऊपर एट थ्री के ऊपर ट्वेंटी सेवन इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे माइनस वन पे माइनस वन बनेगा और यहाँ से देखोगे तो टू पे कितना बनेगा टू के ऊपर ये आएगा यार यहाँ पे आपका यहाँ पे और यहाँ पे, पे ये आएगा तो इस तरीके से देखो इसका जो ग्राह बनेगा वो इस तरीके से बनेगा भाई इस तरीके से ठीक है इस तरीके से इस तरीके से अपने एन की बुक में दिया हुआ भाई ये तो फर्स्ट टाइम है तब आपको बनाया कि, बना के सिखाया जा रहा है कि ऐसे बनेगा लेकिन बाद में तो आपको ये चीजें ना डायरेक्ट याद ही करनी है इनमें कुछ इतना वो नहीं है कि लफड़ेबाजी की बातें कि भाई ये फिक्स ग्राफ है जो आपको आनी चाहिए क्योंकि ये नहीं आएंगे ना ये तो बेसिक ग्राफ हैं आगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको ठीक है यहाँ पे वन यहाँ पे देख लीजिएगा आप क्या देखोगे यहाँ पे टू का एट देख लो यहाँ पे थ्री का ट्वेंटी सेवन देख लो ये आपका देख लो भाई वाई एक्सिस है ये आपका क्या है भाई अक्ष अक्सिस है ठीक है यहाँ पे और ये आपके जीरो कोमा जीरो है ही यहाँ पे ओरिजिन आ गया ये ग्राफ है अब देखो क्या इसका देखो पूरा वाई क्या है वाई तो पूरा इनफाइनेट तक है इसका मतलब इसका जो पहले तो डोमेन देख लो भाई डोमेन मैंने क्या बोल रखा आपको डोमेन होता है वो लेंथ होती है अक्स की क्या होती है एक्स की लेंथ ठीक है यहाँ पे अक्स की कितनी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट यहाँ तक ठीक है फिर इसके अंदर देखो भाई रेंज रेंज बोला कि वाई की हाइट कितनी है भाई ठीक है हाइट यानी कि रेंज माने हाइट माने आंसर माने यानी कि आंसर भी हो सकता है हाइट भी हो सकता है तो यहाँ से हाइट देखो पूरी हाइट आ रही है कितनी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो इसका भी क्या होगा ये ठीक है और यहां पे कोडोमेन क्या है भाई ये आर ही होगी इसकी कोडोमेन क्या होगी आर वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट